गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक्स का नाम है स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ एसी। अब देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ एसी में आपका बेसिक चीज क्या क्या जानना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज बताएंगे, उस बेसिक चीज पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक चीज आपको आना जरूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। मतलब एसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते होंगे अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब क्या होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो आपको बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट उस तरह के करंट को बोलेंगे जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एसी करंट बोलेंगे। डीसी करंट उस तरह के करंट को बोलेंगे जो टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम के साथ अपना डायरेक्शन को चेंज ना करे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो आप समझने का कोशिश करो कि एसी सिग्नल उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे जो आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देखो ये आपका डायरेक्शन अभी क्या है, जीरो से लेके पाई के बीच में क्या पॉजिटिव है, पाई से लेके टू पाई के बीच में क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब है वो अपना क्या कर रहा, डायरेक्शन को चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एसी करंट बोलेंगे। अब देखो सीधी बात में समझने का कोशिश करो, डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे, तो व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये आपका टाइम के साथ डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, इसका डायरेक्शन क्या फिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। और डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्टूडेंट आपका क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब है आपसे पूछेगा कि एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो आपको बोलना है एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, और डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एसएससी रेलवे ये सब एग्जाम में क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब देखो इन वन साइकिल वन रेवोल्यूशन करंट चेंज इट्स डायरेक्शन टू टाइम। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं एक साइकिल किसको बोलते हैं, तो एक साइकिल का मतलब ये, देखो यहां पर समझने का कोशिश करो, यहां से लेके यहां तक क्या है, सॉरी यहां से लेके ये वाला नहीं, सॉरी अब देखो यहां से लेके स्टूडेंट क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या एक साइकिल है। अब बोलोगे कि ये एक साइकिल क्यों बोल रहे हो, ध्यान दो कि ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, और यही पॉइंट अगेन शुरू करने के लिए आपको क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां पर पहुंचना पड़ रहा है, उसके बाद फिर अगेन ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है, एक साइकिल है। इसका मतलब है एक साइकिल में वेव कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो आप ही देखो एक साइकिल में वेव आपका दो बार डायरेक्शन चेंज कर रहा, पहला बार में पॉजिटिव हो रहा और दूसरा बार में क्या हो रहा, नेगेटिव हो रहा। इसका मतलब देखो करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन टू टाइम, कितना बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दो टाइम्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब है वो आपका 50 हर्ट्ज बोलने का मतलब है पर सेकेंड वो कितना वेव जनरेट कर रहा है, 50 वेव जनरेट कर रहा है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये समझ लो दिमाग में कि वो पर सेकेंड में कितना वेव जनरेट कर रहा है, 50 वेव जनरेट कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, ये अपना डायरेक्शन को कितने बार चेंज कर रहा है, दो बार चेंज कर रहा है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका 50 वेव पर सेकंड जनरेट कर रहा है, तो नेगेटिव में भी क्या करेगा, 50 वेव पर सेकंड जनरेट करेगा। तो नेगेटिव में आपका 50 जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव में आपका 50 जनरेट कर रहा है। इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कितने वेव जनरेट कर रहा है पर सेकंड में, इसका मतलब है आपका 100 टाइम्स डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। 100 टाइम क्या कर रहा है, आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी को बोलते हैं हाउस होल्ड में जो फ्रीक्वेंसी जो चेंज होता है एक साइकिल में, कितना बार चेंज होता है, कितना बार वेव चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, 100 टाइम क्या कर रहा है, वो अपना डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि एसी करंट किसको बोलते हैं, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, उसको क्या बोलेंगे, एसी करंट बोलेंगे। एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फंडामेंटल एसी में हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक होता है एवरेज करंट और एक आपका क्या होता है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, और एवरेज का मतलब होता है आपका आई एवरेज। अब देखो स्टूडेंट कि एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, कोई भी सिग्नल दिया गया है, टाइम वेरिंग फंक्शन है, और उसका एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, तो सीधी भाषा में समझने का कोशिश करो, एवरेज करंट निकालने का तीन फॉर्मूला हम अपने ब्लैकबोर्ड में लिखे हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने सिग्नल रहेंगे करंट के फॉर्म में सबको क्या करना, ऐड करना है, और नंबर ऑफ
करंट टर्म को से क्या करना, भाग देना। मान लेते हैं कि पांच गो करंट टर्म है, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया फाइव, तो कितने से भाग देना, पांच से भाग देना। ठीक है, यदि आपका टाइम वेरिंग फंक्शन नहीं रहे, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू रहे और उसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल ऐड करना है और जितना टर्म रहेगा उससे क्या करना, डिवाइड करना। चलो ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू निकालना है, तो यदि इस सिग्नल का यदि एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक साइकिल ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करोगे, एक साइकिल क्या है, तो एक साइकिल आपका यहां से लेके यहां तक एक साइकिल है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये आपका इनिशियल टाइम हो गया, ये आपका क्या हो गया फाइनल टाइम हो गया। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया, टी वन हो गया आपका जीरो, और टी टू क्या हो गया टू पाई हो गया, वही लिखे हैं। टी वन से कहां तक जाएगा टी टू, ये आपका पहला इनिशियल टाइम है, ये आपका एक साइकिल का फाइनल टाइम है, और आपको क्या करना आई टी डी टी मतलब इस फंक्शन को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, यदि टाइम वेरिंग फंक्शन है तो इस फंक्शन को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो आई टी डी टी हो जाएगा और वन बाई टी टू माइनस क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा। यह हो गया स्टूडेंट आपका एवरेज का फॉर्मूला। फिर से बोल रहे हैं एवरेज निकालने का मतलब है वन बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टाइम फाइनल टाइम आई टी डी टी होगा, ये आपका क्या हो गया एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला हो गया एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर आई टी, मतलब ये आपका आई और टी का ग्राफ है, तो इस सिग्नल का क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे, कितने तक निकालेंगे एक साइकिल का निकालेंगे, एरिया निकाल के हम क्या करेंगे इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इस सिग्नल का क्या निकल जाएगा स्टूडेंट एवरेज निकल जाएगा। अभी हम बता रहे हैं थ्योरी, बट प्रॉब्लम में आपको और ज्यादा बेहतर नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो गया। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद अब हम बताते हैं आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। आरएमएस मतलब होता है आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन, और एस का मतलब क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो स्टूडेंट मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, मीन का मतलब ही क्या होता है एवरेज। अब ध्यान दो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ये आपका क्या एवरेज का फॉर्मूला है कि नहीं बताओ, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है कि नहीं बताओ, तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, इसी को मॉडिफाइड करके आरएमएस वैल्यू निकालिए। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब देखो ये क्या है वन बाई टी टू माइनस टी वन है, वन बाई टी टू माइनस टी वन है, टी वन से लेकर टी टू, अब अभी यहां पर इसको मिटाते हैं आई टी डी टी यदि रहेगा तो यहां से लेके यहां तक देखो स्टूडेंट ये अंदर वाला पार्ट को देखो ये आपका क्या एवरेज वैल्यू है कि नहीं एवरेज वैल्यू है, बट मीन का मतलब एवरेज, अब मीन का क्या करना स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर क्या करना स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए उसके बाद क्या करना रूट, मतलब इस सिग्नल का क्या करना पूरा रूट करना है, ये आपका निकल जाएगा आई आर एम एस। यदि वी आर एम एस निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट तो यहां पर वी आर एम एस लिखेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, यहां पर आई की जगह पर क्या लिखेंगे वी टी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आरएमएस का ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपका आरएमएस निकालना है और टाइम वेरिंग फंक्शन नहीं है सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई एन का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा एन, इसको सॉल्व करके रूट कर लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा आई आरएमएस निकल जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एवरेज का वैल्यू क्या है, एवरेज का वैल्यू यदि आपको याद है तो आप आरएमएस वैल्यू को क्या कर सकते हो आराम से लिख सकते हो। अब स्टूडेंट यदि कोई समझने का कोशिश करो, ये आपका एक्सटी दिया गया आई नॉट I1 sin omega 1t plus I2 sin omega 2t दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका RMS वैल्यू को निकालना। अब कैसे निकालेंगे ध्यान दो, इसको हम सब कर रहे हैं क्योंकि मेरा यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आगे की ओर चलते हैं कि कोई भी सिग्नल दिया गया है उसका RMS वैल्यू को कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दो कि RMS वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब देखो स्टूडेंट यदि मान लेते हैं कोई सिग्नल दिया गया xt, xt दिया गया है यहां पर I0 और क्या है आपका I1 और क्या है आपका sin और आपका क्या है ओमेगा नॉट टी है और आपका क्या है आई नॉट और क्या है साइन ओमेगा नॉट और क्या है टी है। अब देखो स्टूडेंट ये आपका कैसा सिग्नल है, ये टाइम के साथ तो फंक्शन नहीं है, ये आपका डीसी सिग्नल है, ये आपका क्या एसी है और ये आपका क्या है स्टूडेंट एसी है। अब देखो चीजों को समझो, यदि ये अकेले रहता तो इसका आरएमएस वैल्यू जो होता इस सिग्नल का अकेले आरएमएस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आई नॉट होगा, क्या होगा आई नॉट होगा। ठीक है, इस सिग्नल का यदि अकेले आरएमएस वैल्यू पूछता तो क्या होता I नॉट बाई क्या होता रूट टू होता, I नॉट बाई क्या होता रूट टू होता, इसका आरएमएस किसका इस सिग्नल का अकेले आरएमएस यदि अकेले रहता तब। ठीक है, इस सिग्नल का जो आरएमएस होता, इस सिग्नल का जो आरएमएस होता I नॉट होता, और इस सिग्नल का यदि आरएमएस अकेले पूछता यही चीज रहता तो क्या लिखता आई टू बाई क्या लिखता रूट टू लिखता। ठीक है, इसका आरएमएस। ठीक है, बट आपका होल एंड सोल पूरा एक्सटी का आरएमएस पूछ रहा है, इस एक्सटी सिग्नल का क्या पूछ रहा है RMS पूछ रहा है। ठीक है, इस XT सिग्नल का पूरा RMS पूछ रहा है, तो XT सिग्नल का RMS निकालने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट रूट लगाओगे, क्या करोगे रूट लगाओगे
अब देखो इंडिविजुअल आरएमएस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका आरएमएस कितना निकला, आई नॉट, तो क्या करेंगे आई नॉट का स्क्वायर करेंगे। फिर इसका आरएमएस जो निकला है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आई वन बाई रूट टू का क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर करेंगे। फिर इसका आरएमएस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मेरे को सिंगल सिंगल नहीं निकालना है, पूरा इस फंक्शन एक्सटी का आरएमएस निकालना। तो एक्सटी का आरएमएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई टू बाई रूट टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, यदि कोई पूछता इस प्रॉब्लम दे देता और आपसे पूछता कि पूरे इस सिग्नल का आरएमएस निकालो, एक्सटी का आरएमएस निकालो, तो एक्सटी का जो आरएमएस होता है स्टूडेंट वो क्या होता, आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई वन बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस आई टू बाई रूट टू का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा प्रॉब्लम, एक फंक्शन दे देगा xt और किस तरह पूछेगा, ध्यान दो, यदि आपसे पूछ दे ये आपका 2 है और ये आपका 3 और साइन ये आपका क्या है, ओमेगा t है। अब देखो इसका आरएमएस निकालने के लिए पूछेगा, xt का आरएमएस निकालने के लिए पूछेगा। तो xt में दो सिग्नल है, ये आपका एक सिग्नल ये है और ये आपका ये सिग्नल है, इसका आरएमएस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका आरएमएस क्या हो जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अभी आपको बताया I1 की जगह पर क्या 3 है, तो 3 बाई क्या हो गया, रूट 2 हो गया। बट इसका इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा, पूरा XT का RMS पूछ रहा है। तो XT का RMS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम चीजों को कैसे निकालेंगे, तो रूट लगाएंगे, इस सिग्नल का इंडिविजुअल का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या करेंगे 3 बाई रूट 2 का क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दुगनी 4 होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसका मतलब इस सिग्नल का यदि आरएमएस पूछता तो 8.5 होता, यही आपका क्या होता, इतना एम्पियर आपका क्या हो जाता स्टूडेंट, आंसर आ जाता। यदि पूरे इस एक्सटी का आरएमएस पूछता, इस पूरे सिग्नल का XT का RMS पूछता, तो यही आपका क्या होता, रूट ओवर 8.5 एम्पियर होता। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यदि कोई इस तरह का सिग्नल दे दे और आपसे RMS निकालने के लिए पूछे, तो आप इस तरह करके क्या कर सकते हो, RMS वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और लेते हैं, आपका यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब एक बेहतरीन और प्रॉब्लम लेते हैं, उसका RMS को निकाल के दिखाते हैं उसका RMS क्या होगा। अब देखो कोई पूछ दे कि ये आपका कोई सिग्नल है XT है और ये आपका क्या है, पहले 2 है, ये आपका क्या है 3 है, ये आपका क्या है साइन ओमेगा 1 टी और ये आपका क्या है 4 और ये आपका कॉस, ये आपका क्या है ओमेगा 2 टी है। इसका आरएमएस निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो आपको समझना है ये आपका साइन फंक्शन है और ये आपका कॉस फंक्शन है। बट साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन से आरएमएस वैल्यू निर्भर नहीं करता है, ये सिंपल इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू पर निर्भर करता है। तो इसका आरएमएस इंडिविजुअल क्या होगा, 2 होगा, इसका इंडिविजुअल क्या होगा 3 बाई क्या होगा, रूट 2 होगा, इसका क्या होगा 4 बाई क्या होगा, रूट 2 होगा, इंडिविजुअल होगा। बट पूरे सिग्नल का आरएमएस निकालना, इसका मतलब XT का आरएमएस क्या हो जाएगा, अभी बताओ XT सिग्नल का आरएमएस हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रूट लगाओगे, 2 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, 3 बाई रूट 2 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, और क्या करोगे 4 बाई रूट 2 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। अब सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये आपका 9 बाई 2 हो जाएगा, ये आपका 16 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहते हो ये 4 हो जाएगा और 16 प्लस 9 आपका क्या हो जाएगा अभी बताओ 25 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 16.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि पूछे और आरएमएस वैल्यू पूछे तो इस तरह करके प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना, पहले इंडिविजुअल निकाल लो, उसके बाद फाइनल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह का वैरायटी का प्रॉब्लम आपका एसएससी में पूछा गया स्टूडेंट, तो इस तरह का प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। अब एक प्रॉब्लम नंबर आपका ये 1 था, 1 का टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अब देखो स्टूडेंट अब इसको मिटाते हैं, अब प्रॉब्लम नंबर 2 को उठाते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन को देखो, ध्यान दो, समझो। अब देखो आरएमएस वैल्यू निकालना और एवरेज वैल्यू निकालना, आपका सिग्नल वैल्यू क्या है, आपका ग्राफ क्या है, पहले समझो, एकदम बेहतरीन कायदे से बता रहे हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप खाली ध्यान दो, समझने का कोशिश करो, आपको एक भी पॉइंट में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आए, हम पूरा डिटेल ही बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, ये आपका क्या सिग्नल है स्टूडेंट, चलो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या निगेटिव है, यहाँ पर आपका 2 है, ये जो ग्राफ है वो आपका IT का ग्राफ है, ये आपका 0 है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या T/2 है, यहाँ पर आपका T है, ये आपका क्या है 3T/2 है और ये आपका क्या है स्टूडेंट 2T है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो एवरेज वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो ये कोई सिग्नल दिया गया, इसका एवरेज निकालना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया थी अभी बताओ, 1 बाई
टी टू माइनस क्या बताए थे टी वन, इंटीग्रेशन टी वन टू क्या बताए थे टी टू, और क्या बताए थे आई टी, और क्या होगा डी टी होगा। पहले हम एवरेज निकाल रहे चलो ठीक है। अब देखो एक साइकिल को ढूंढो कि एक साइकिल कहां है, तो एक साइकिल का मतलब है यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर क्या हुआ ऐसे गया, फिर आपका ऐसे गया, फिर आपका क्या हुआ ऐसे गया, फिर आपका ऐसे गया। इसका मतलब देखो स्टूडेंट, ये पोर्शन को देखने का कोशिश करो, ये वाला पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन को देखो, ये आपका क्या एक साइकिल है कि नहीं बताओ, आप ही बताओ ये आपका एक साइकिल है कि नहीं बताओ, जो पोर्शन को हम हेजी किए एक साइकिल है कि नहीं बताओ ठीक है। तो एक साइकिल हो गया, एक साइकिल का ही क्या करना है आपको एवरेज निकालना है, तो पूरे साइकिल का निकल जाएगा ठीक है। अब एक साइकिल का इनिशियल वैल्यू क्या है आप ही बताओ, इनिशियल वैल्यू आपका जीरो है, और फाइनल वैल्यू क्या है टाइम का टी है, तो टी माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जब इनिशियल वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, फाइनल वैल्यू क्या हो गया टी हो गया, फंक्शन जो है वो आपका क्या आई टी है, चलो आई टी लिखो और क्या लिखो डी टी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जीरो। अब देखो इसको वन बाई टी लिखो ठीक है, ये फंक्शन दो भाग में डिवाइड होगा। देखो स्टूडेंट दो भाग में क्यों डिवाइड होगा, एक आपका पॉजिटिव पार्ट है, एक आपका क्या निगेटिव पार्ट है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को अलग लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा जीरो से लेकर कहां तक होगा टी बाई टू तक होगा, उसमें आई टी का वैल्यू का क्या है टू है और क्या है डी टी है, प्लस लिखेंगे। और निगेटिव पार्ट में आपका टाइम पीरियड क्या है टी बाई टू से लेकर कहां तक जा रहा है टी तक जा रहा, उस कंडीशन में ये वाला जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपका माइनस टू है, तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस टू और क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे, और इसको आपको घेर लेंगे ठीक है। अब देखो वन बाई टी हो जाएगा यस या नो, अब देखो टू है डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी होगा, अपर लिमिट आपका टी बाई टू होगा, लोअर लिमिट आपका जीरो होगा, माइनस टू को बाहर कर लेंगे डी टी का टी होगा, अपर लिमिट टी होगा, लोअर लिमिट क्या होगा टी बाई टू होगा, ब्रैकेट को घेर लेंगे। वन बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी हो जाएगा, अब देखो टू लिखेंगे ये क्या जाएगा टी बाई टू हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा। आप ही बताओ समझ में आना चाहिए, वन बाई टी हो जाएगा चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे टू टी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू, और इससे क्या आ जाएगा टी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है। अब देख लो सॉल्व करके देखो, यहां पर भी क्या आया टू टी बाई टी, और यहां पर भी क्या आया टू टी बाई क्या आया टी आया। अब देखो यहां पर टू टी बाई टी, टू टी बाई टू और वन बाई टी, देखो स्टूडेंट ये कैंसिल, ये कैंसिल, टी से टी गया जीरो, जीरो से इसको गुणा करेंगे क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब है इस तरह का यदि सिग्नल दिया जाए और आपका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए तो आप एवरेज वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। अब रही मुद्दा समझने का कोशिश करो इसका एवरेज वैल्यू जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ये जीरो से लेकर टी बाई टू के बीच में ये पॉजिटिव है, जितना यूनिट ये पॉजिटिव है उतना ही टी बाई टू से लेकर टी के बीच में उतना ही यूनिट क्या है निगेटिव है, मतलब इसका आपका पॉजिटिव टू यूनिट है और ये आपका क्या निगेटिव टू यूनिट है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है सिमेट्रिकल ग्राफ है, जितना वो टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक आपका टू है उतना ही टाइम ड्यूरेशन में ये क्या माइनस टू है। इसका मतलब ये पॉजिटिव टू और ये निगेटिव टू आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा स्टूडेंट जीरो निकलेगा। तो इस तरह का सिग्नल पूरा सिमेट्रिकल सिग्नल रहे और एवरेज निकालने के लिए बोला जाए और आपका पॉजिटिव और निगेटिव हाफ रहे तो आपका एवरेज क्या होगा आप याद कर लो, इसका एवरेज क्या होगा जीरो होगा। मतलब इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा जीरो होगा। अब रही मुद्दा कि इसका आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इसका आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, चलो अब देखो एक शॉर्ट टेक्निक बताते हैं। ये तो आपका लॉन्ग टेक्निक है, पूरा इंटीग्रेशन करके इसको निकाल रहे हैं, बट इसका शॉर्ट टेक्निक भी होता है स्टूडेंट, क्या होता है उस चीजों को समझने का कोशिश। अभी फॉर्मूला लिखा लेते हैं, आई एवरेज क्या लिखे थे बोलो, आई एवरेज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर कर्व, क्या एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ठीक है, क्या आई टी, आई टी, आई टी का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे कितने के लिए, वन साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए इसका क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे और डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे T2 माइनस T1, चलो ठीक है। वन साइकिल ये वाला पोर्शन जो हेजी वाला पोर्शन है वो आपका वन साइकिल है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है जस्ट लाइक दैट रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू क्या होगा ब्रेथ, लेंथ आपका क्या है मान लेते हैं कि टू है, अब ब्रेथ कितना होगा जीरो से लेके टी बाई टू, तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ टी बाई टू होगा, इसका हो गया। फिर निगेटिव का निकालेंगे तो निगेटिव का आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है माइनस टू है, और यहां से लेके यहां तक क्या टी से टी बाई टू घटाएंगे तो टी बाई टू होगा, ये आपका क्या हो गया टी बाई टू हो गया चलो ठीक है। अब देखो टी टू, टी टू आपका क्या टी है और टी वन क्या जीरो है चलो ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये प्लस टी, ये आपका माइनस टी डिवाइडिंग बाई टी, टी में टी गया जीरो भाग देंगे तो क्या होगा जीरो, देखो एक सेकंड में बना। इसका मतलब है इस सिग्नल का एवरेज निकालने का ये शॉर्ट टेक्निक है, ये आपका क्या है शॉर्ट टेक्निक है, इसी तरह हम लोग कॉम्पिटिशन में बनाएंगे शॉर्ट टेक्निक से। एरिया अंडर द कर्व आई टी वन साइकिल एरिया निकाल लेंगे और टाइम पीरियड से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो ये मेथड नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, वो आपका मेथड वन था,
और ये आपका क्या हो गया मेथड टू हो गया। क्या निकालने का, एवरेज निकालने का, कि किसी भी सिग्नल का एवरेज को हम क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे क्विकली इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब रही मुद्दा किसका है, आरएमएस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो अब आरएमएस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिखो आई आरएमएस इसी सिग्नल का, आई आरएमएस का स्क्वायर कर ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 / वही होगा खाली स्क्वायर कर ले, टी टू माइनस क्या होगा टी वन, और क्या हो जाएगा आप ही बताओ टी वन, और आपका क्या हो जाएगा टी टू, और आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अब ये एक साइकिल है, एक साइकिल का यहां से लेके यहां तक क्या एक साइकिल है, तो इसका आपका फाइनल टाइम टी होगा, इनिशियल टाइम जीरो होगा, फाइनल टाइम आपका क्या हो जाएगा टी और इनिशियल टाइम जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और टी, और क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये आपका आई आर एम एस का क्या हो गया स्टूडेंट स्क्वायर हो गया। चलो लिखो यहाँ पर 1/2 1/t। अब देखो ये आपका ये भी सिग्नल दो पार्ट है, एक पार्ट आपका पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट निगेटिव है, इसको भी दो भाग में बांटेंगे, जीरो से लेके टी बाई टू के बीच में आई टी का वैल्यू क्या है टू है, टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर डी टी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका टी बाई टू से लेके कहां तक टी तक, तो क्या होगा आई टी का वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस फोर हो जाएगा, इसमें माइनस का स्क्वायर करें माइनस टू का स्क्वायर करें तो पर भी फोर होगा, प्लस टू का स्क्वायर करें तो पर भी क्या होगा फोर होगा। चलो ठीक है वेरी गुड, अब देखो समझो ये क्या हो गया 1/2 हो गया, फोर को बाहर करो डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ये आपका टी बाई टू ये आपका जीरो, फोर को बाहर करो डी टी का टी हो जाएगा, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा। चलो पुट करो 1/ क्या हो जाएगा टी, ये आपका क्या हो जाएगा फोर, अपर लिमिट टी बाई टू माइनस क्या होगा जीरो, प्लस क्या होगा फोर, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट क्या होगा टी बाई टू, ब्रैकेट बंद करो 1/t। अब देखो फोर ये क्या हो जाएगा टी बाई क्या होगा टू। चलो ठीक है, अब देखो ये स्टूडेंट क्या होगा टी बाई क्या होगा टू होगा, चलो जो कैंसिल हो रहा कट ये टू हो जाएगा, ये आपका इसको कैंसिल करें टू टू टी टू टी क्या हो जाएगा बताओ फोर्टी फोर्टी हो जाएगा, 1/ क्या होगा टी 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 कैंसिल हो गया बचा कितना फोर। चलो ठीक है, यहां से क्या है आई आर एम एस का स्क्वायर, इसका मतलब स्टूडेंट आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट फोर, और रूट फोर का वैल्यू क्या हो गया टू, इसका मतलब है इस सिग्नल का जो आर एम एस वैल्यू होगा वो क्या होगा टू एम्पियर होगा, इस सिग्नल का जो आर एम एस वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा टू एम्पियर होगा, कितना होगा आप ही बताओ टू एम्पियर होगा। चलो ठीक है टू एम्पियर हो गया। आप देखो यदि इसको शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, इतना तो कंपटीशन में नहीं बना सकते, तो इसको शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, आप नोट कर लो यदि इसको शॉर्ट में बनाना तो हम कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दो कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये आप मेथड टू से बनाएंगे। ठीक है चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको साफ करते हैं। ठीक अब देखो अब चीजों को समझो इसको शॉर्ट टेक्निक से मेथड नंबर टू से कैसे बनाते हैं। चलो ये क्या है स्टूडेंट मेथड क्या है, मेथड क्या है टू है। चलो ठीक है मेथड टू है, अब मेथड टू में कैसे निकालेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे समझो चीजों को समझो शॉर्टकट में क्या है ये आई ये इसका दो साइकिल है, एक आपका फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट है, प्लस क्या एक सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है निगेटिव। चलो इस तरह करके लिख लेते हैं ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होगा टी टू माइनस क्या होगा टी वन होगा। ठीक है और फर्स्ट पार्ट का आरएमएस कैसे निकालेंगे तो IT का स्क्वायर करेंगे, IT का वैल्यू क्या टू है तो टू का IT का स्क्वायर करेंगे, और टाइम ड्यूरेशन तो टाइम ड्यूरेशन कहां तक है टी बाई टू तक, टी बाई टू माइनस जीरो तो टी बाई टू होगा। चलो ठीक है सेकंड पार्ट का यदि निकालेंगे तो IT का स्क्वायर IT का क्या है माइनस टू का स्क्वायर करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे इन टू करेंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है टी और टी बाई टू तो इससे इसको घटाएंगे क्या होगा टी बाई टू होगा। चलो टी टू का वैल्यू क्या है टी, टी वन का वैल्यू जीरो तो टी माइनस क्या होगा जीरो। चलो इसको सॉल्व करो दो दो चार हो जाएगा, चल ठीक टी वाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, चल माइनस टू का स्क्वायर करेगा चार टी वाई क्या हो जाएगा टू। ठीक है चल ठीक ये क्या टी है, अब इसको सॉल्व करो ये आपका क्या हो जाएगा टू, इसको सॉल्व कर ये हो जाएगा टू टू टी क्या हो जाएगा आप ही बताओ फोर्टी बाई टी कैसे हो गया क्या हो गया फोर। चल ये आपका सेकंड पार्ट है ठीक है सेकंड मेथड है, अब आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू फोर तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड मेथड से भी क्या हो रहा है रूट फोर, और रूट फोर का क्या होगा टू एम्पियर होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को हमने दो मेथड से बनाया, एक आपका शॉर्ट मेथड एक आपका बेसिक मेथड, इसको भी दो मेथड से बनाया एक आपका बेसिक मेथड एक आपका शॉर्ट मेथड। इसका मतलब है इस तरह का वेवफॉर्म यदि दिया जाए और आपके एग्जाम में पूछे कि इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालो इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू निकालो तो आप बेहतरीन कायदे से इस सिग्नल का एवरेज और आरएमएस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आपका प्रॉब्लम बहुत सारा पूछा गया है एसएससी में स्टूडेंट, तो आप उस प्रॉब्लम को उठाओ
अपने से सॉल्व करने का कोशिश करो। हमसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, इसको दो तीन बार अपने कॉपी में लिखो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार, एक बार नहीं दो बार तीन बार वीडियो को देखो, अपने कॉपी में लिखो, रिविजन मारो, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा। हम गारंटेड बोलते हैं कि आपको समझ में आएगा, बट आपको एक दो बार मेहनत करना होगा, लिखना होगा, तभी जाके समझ में आएगा। ऐसे आपका हवा हवा में बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।